हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना बेटा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग ऐसे एक ओवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओवल स्ट्रक्चर, ओके। ओवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ऊपर हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर और नीचे भी ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ, ठीक। अज्यूम कर लीजिए कि स्पेशली हमने एक सबसे पहले एक बनाया, अंडा बनाया, अंडे के ऊपर डंडा और अंडे के नीचे डंडा, एक फनी अंदाजा पर बताएगा, ओके। तो ऐसे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसके बाद ऐसे हम लोग एक क्राउन लाइक या ताज लाइक स्ट्रक्चर, समझ लो कि हमने इस स्ट्रक्चर को एक ताज बना दिया, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे नीचे ला करके नीचे ऐसे दिखा देंगे, ओके। बात क्लियर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से एक ऐसे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, ओके। और फिर इसको ले जाकर के, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ ओपन कर दिया। इसको भी इस साइड ले जाकर के हमने ऊपर की तरफ ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है। इस साइड हम चूंकि ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसलिए मैंने इसको ब्रिज बनाया, ओके। फिर हमने ऐसे चेंबर बनाया, ठीक है, ऐसे चेंबर बनाया, ओके। और इसको ला करके आप एज्यूम कर लो कि हमने इससे क्या कर दिया, जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है ना, ओके। और साइड में जो है स्पेशली हम एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए आपको थोड़ा सा इसकी नेमिंग बता दूं। ये है बेटा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ओके। और ये है इनफीरियर, ठीक है, वेना कावा, क्योंकि ऊपर है तो सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, और ये नीचे है तो इसे इनफीरियर वेना कावा। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर है आपका सुपीरियर ऑर्टा, सुपीरियर ऑर्टा, और ये स्ट्रक्चर लिख देंगे हम इनफीरियर ऑर्टा, ठीक है। इसके अलावा ये राइट साइड है तो इसको हम लिख देंगे राइट पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये भी राइट साइड है तो इसको हम लिख देंगे राइट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर लिखेंगे हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और इधर लिख देंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ कर लिया है, ओके। ये आपका हो गया राइट साइड है तो राइट आट्रियम, और इसको बोल देंगे हम राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट आट्रियम, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर को हम रफली भी ऐसे बना सकते हैं। मान लो हमने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद ऊपर और ये बना दिया नीचे, और ये हमने इसको ताज पहना दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे बना दिया। आपको रिप्रेजेंटेशन जो करना है तो आप ऐसे नीचे की तरफ बॉक्स बना दो और इस बॉक्स को ऐसे ऊपर ले जा करके दो दिशाओं में क्या करो, ऐसे ओपन कर दो, यहां भी ऐसे कर दो। मान लो ये लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट आट्रियम से इसको ओपन कर दीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल को ले जाकर के जोड़ दीजिए इस सुपीरियर ऑर्टा, ठीक है। अंदर वाला स्ट्रक्चर आप ऐसे रफली भी एक तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते, ठीक है। अभी जरा मैं आपको बता दूं कि बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से एंटर करता है और कैसे बाहर आता है। मान लीजिए मैं ह्यूमन हार्ट
मान लीजिए एक कोई इंसान है, ठीक है, और इस इंसान में ये जो पेरिओस्टियल डिजाइन है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा हार्ट बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, और इस हार्ट से ऐसे पाइपलाइन दिखाऊँ, एक पाइपलाइन आर्म्स में, दूसरा ब्रेन में, तीसरा आर्म्स में गया और ये नीचे की तरफ जाकर के इस तरह से, ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ब्लड आपका हार्ट में एंटर करेगा। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को भी हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ओके, ऐसे। तो समझिएगा कि जो ब्लू वाली पाइपलाइन है इससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू वाली पाइपलाइन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, यानी ब्लू वाली पाइपलाइन में, यानी ऐसे ब्लड और ऐसे ब्लड होता होगा, ठीक है, ओके, कहाँ आएगा, राइट आर्टरी में आएगा, ठीक है। अब जरा हार्ट से कहाँ जाएगा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्योरीफाई होगा, प्योरीफाई होकर के वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से इस रेड वाली पाइपलाइन से पूरे बॉडी में चला जाएगा, मतलब कि यहाँ आर्म्स में, हेड में, इधर लेफ्ट आर्म्स में और इधर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ब्लू वाली पाइपलाइन से हमारे हार्ट में ब्लड आता है, प्योरीफाई होता है और रेड वाली पाइपलाइन से वापस ये पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। यानी ऐसे समझिएगा कि अपर यानी कि लेवल पोजीशन में लिखा था, ठीक है, सुपीरियर वीना का ऊपर और नीचे से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड यहां है, यहां से फिर राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ फिर ये देखिएगा चला गया आपके लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। मान लीजिए ये प्योरीफाई हो चुका है, ठीक है, लंग्स में, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से ये वापस प्योरीफाई होकर के आएगा आर्टेरियम में, आर्टेरियम से फिर ये ब्लड आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में और फिर ये इस तरीके से होता हुआ ये चला जाएगा हमारे आर्म्स में, ये हेड में, ये दूसरे आर्म में और ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पीछे से होता हुआ नीचे चला जाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर जो भी पार्ट्स, ठीक है, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा है और ये स्ट्रक्चर बॉडी के जो निचले पार्ट्स हैं उनको ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई स्पेशली कर रहा है।